My dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupyamo Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Everyone open your books quickly. Yes. So हमने क्या क्या कर लिया? First chapter done, right? Yes. मतलब revision done, number one. हमारा जो chapter था वो भी done. Ordinal numbers, cardinal numbers हमने कितना कुछ पढ़ा. Odd and even numbers भी हमने पढ़ा, right? फिर हमने अपना एडिशन चैप्टर स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे आपको क्या होमवर्क मिला था? आपको अपने किन्हीं तीन फ्रेंड्स का नाम लिखना था, उनके नंबर ऑफ डिजिट्स कह रही हो, लेटर्स आपको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखने थे, राइट? तो मैंने यहाँ पे अपने तीन फ्रेंड्स का नाम लिखा है, आपको अपने तीन फ्रेंड्स का नाम लिखना था, राइट? यस. चलो नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना था, ये सारे आपको होमवर्क मिले थे पार्ट, राइट? तो यहाँ पे 12 + 4 + 3 यहाँ पे किसकी कमी है? 3 की, तो 3 यहाँ लिखा है. 30 + 20 + 7 यहाँ क्या होगा फिर? और एंड स्टूडेंट्स ऐड दिस प्लस साइन, ठीक है? वहाँ पे प्लस साइन नहीं दिया आपके बुक में, तो आप प्लस साइन वहाँ पे लगा लो, ओके? यस, अदरवाइज ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है? सो 30 + 20 + 7 तो यहाँ पे 30 + sin 20 + 7, ओके? देन 6 + 4 + 5 क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी थी? 6 की, ओके? तो ऐसे ये सारे पार्ट ऐसे ही है. लास्ट वाला देखो, 14 वाला, यहाँ पे दो वेकेंट प्लेसेस थी और यहाँ पे एक, लेकिन कैसे पता चला 20-30 आएगा? क्योंकि यहाँ पे 23 है और क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होनी है. और यहाँ पे कौन से दो डिजिट्स दिए हैं? 20-30, और यहाँ पे 20-30 नहीं है, यहाँ पे कौन सा एक डिजिट नहीं है? 23, जो कि कहाँ है? यहाँ पे बस. तो जो इस साइड है वो इधर आ जाएगा और जो इस साइड नहीं है वो यहाँ से आ जाएगा, राइट? तो 20 + 30 इधर आएगा और 23 इधर. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, फन विद मैथ्स. क्या नाम है? फन विद मैथ्स, मतलब मैथ्स के साथ फन. चलो, विच टू नंबर्स इन द ट्राइंगल मेक अप द गिवन नंबर. कौन से नंबर इस ट्राइंगल में ये गिवन नंबर मतलब टोटल ऐड करने पे आएगा? क्या है? यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है, ओके? और उसके बाद क्या करना है? कलर करना है. द फर्स्ट इज डन फॉर यू, पहला वाला किया. चलो देखते हैं क्या दिया है. 7 + 5 कितना होता है? 12, ओके. उसके बाद यहाँ देखो, 7 + 5 यहाँ पे 7 और 5 दिया है ना, और इसका मतलब क्या है? 12. तो यहाँ पे इन्होंने उस पार्ट को कलर कर दिया, ओके? चलो अब क्या बोला है, शेप कैसे होना चाहिए? ये वाला, ठीक है? बर्फी खाई है सबने, वैसा शेप. तो 13 है यहाँ पे. अब देखो एग्जैक्टली ऐसा शेप हो और उनको ऐड करने पे क्या है? 13 आए, ठीक है? चलो देखो, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है? हमें कितने शेप मिले? 3, राइट? चलो 8 + 6 कितना होता है बताओ जल्दी से. 8 + 6 = 14, राइट? 8 + 6 कितना होता है? 14. हमें कितना चाहिए? 13. चलो मतलब ये वाला कैंसिल. 7 + 2 कितना होता है बताओ जल्दी से. 7 + 2 = 9. हमें कितना चाहिए? 13. कैंसिल. अब कौन सा बचा है? ये वाला. जल्दी ऐड करो. तो 9 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 13, राइट? मिल गया, यही तो है 13. तो बस यहाँ पे 4 आएगा और नीचे वाले पे 9, राइट? अब कलर करो. कलर मैं इससे कर रही हूँ, यू कैन यूज़ क्रेयॉन्स ऑल्सो, ठीक है? आप क्रेयॉन या पेंसिल कलर से भी कलरफुली कर सकते हो. यू कैन कलर इट फ्रॉम एनी कलर यू वॉन्ट. और यहाँ पे भी कलर कर दो, राइट? यस. चलो नेक्स्ट वन, 12. क्या है 12 और शेप कैसा होना चाहिए? कुछ ऐसा, ठीक है? चलो देखते हैं. 12 है, ऐड करने पे 12 आना चाहिए. सो यहाँ पे कितने शेप मिल रहे हैं आपको? एक ये है, एक ये है और एक ये है. 3 मिले. चलो 9 + 6 कितना होता है बताओ? 15. क्या कितना चाहिए हमें? 12. रॉन्ग. चलो 7 + 1 कितना होता है? 8. हमें चाहिए 15. ये भी नहीं. 8 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 12, राइट? तो बस 8 किधर है? आगे वाले में, 4 पीछे वाले में. चलो 8 = 4 कलर इट, ओके? और यहाँ पे भी इसको भी कलर करो. चलो डन. सो ये भी डन, ये भी डन, सब डन, ओके? नेक्स्ट वन, फाइंड द शेप विथ 2 or 3 एडेंट्स. अब वो शेप ऐड करना है, मतलब वो शेप ढूंढना है जहाँ पे ऐड करने पे 10 आए और इन दोनों में से किसी एक में क्या हो? 2 हो या फिर 3 हो, ठीक है? जिनमें 2 या 3 है वही वाले एडेंट वाले हमें स्क्वायर लेने हैं. स्क्वायर या फिर यू कैन से ट्राइंगल्स, ओके? या दीज आर नॉट स्क्वायर्स, ओके? ये ट्राइंगल का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? चलो सो 7 + 3 पहले ही मिल गया, 7 + 3 और शेप भी सेम है और इसमें 3 होना चाहिए, एक में है यहाँ पे 3, तो बस फिर यही है. इसको यहाँ पे कलर करो और यहाँ पे 3 और 7 लिख के इसको भी कलर करो,
राइट।